केदारनाथ धाम में वायरल वीडियो पर उठ रहे सवाल, मंदिर समिति ने पुलिस से की है ये मांग। केदारनाथ धाम के वायरल वीडियो पर तीर्थ पुरोहित समाज ने पुलिस और मंदिर समिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि मंदिर समिति के द्वारा किए जा रही व्यवस्था के दावे धाम में दिखाई नहीं दे रहे हैं। उत्तराखंड स्थित विश्व विख्यात केदारनाथ धाम से लगभग हर रोज कोई रील सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बीते दिनों मंदिर परिसर में एक यूट्यूबर द्वारा अपने बॉयफ्रेंड को अंगूठी पहनाकर प्रपोज किया गया था। ये वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने इसको जमकर ट्रोल किया। इसी तरह की एक और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक व्यक्ति मंदिर के आगे महिला की मांग भरता नजर आ रहा है। इस तरह की वीडियो पर मंदिर समिति ने आपत्ति जताते हुए पुलिस को पत्र लिखकर इस पर कार्रवाई की मांग की है। इस मामले पर पुलिस ने कहा कि वीडियो बनाने वालों पर नजर रखी जा रही है। मौके पर वीडियो बनाते हुए पाए जाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन मर्यादा के तहत कार्रवाई की जा रही है। इस तरह के मामलों पर तीर्थ पुरोहित समाज ने पुलिस प्रशासन और मंदिर समिति की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में मोबाइल फोन ले जाने और वीडियो बनाने पर रोक है। इस बैन के बावजूद आए दिन मंदिर के गर्भगृह की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई देखी जा सकती है। कुछ दिनों पहले एक महिला द्वारा बाबा केदारनाथ के लिंग पर जमकर नोट उड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिस पर लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई थी। इसके बाद बद्री केदार मंदिर समिति ने कार्यवाही का आश्वासन दिया था। इस मामले के बाद यूट्यूबर महिला की बॉयफ्रेंड को प्रपोज करने और एक व्यक्ति द्वारा महिला की मांग भरने की वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया। वीडियो के वायरल होने के बाद कई लोगों ने उनकी आस्था को ठेस पहुंचने का आरोप लगाया। नेटिजन्स ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि केदारनाथ अब मोक्ष धाम नहीं बल्कि पिकनिक क्षेत्र बनकर रह गया है। भक्तों की ओर से कड़ी आपत्ति जताए जाने के बाद बद्री केदार मंदिर समिति भी एक्शन में आ गई है। मंदिर समिति ने पुलिस को पत्र लिखकर इस प्रकार की वीडियो बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मंदिर के बाहर से लेकर गर्भगृह तक पुलिस और बद्री केदार मंदिर समिति के लोग मौजूद रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मंदिर के अंदर के भी वीडियो वायरल होने पर लोग इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं। पूरे मामले पर अब पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग डॉक्टर विशाखा भदाणे का कहना है कि मंदिर समिति की ओर से पुलिस को एक पत्र दिया गया है। पत्र में मंदिर समिति ने वीडियो बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस द्वारा पहले से ही ऑपरेशन मर्यादा के तहत इस प्रकार के वीडियो बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की गश्त टीम मंदिर के बाहर और अंदर नजर बनाए हुए है। उन्होंने ये भी बताया कि मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले पुलिस की ओर से सभी भक्तों के फोन बंद कराए जाते हैं। मंदिर के गर्भगृह में फोन का प्रयोग करने पर पहले से ही पाबंदी है। तीर्थ पुरोहितों ने पुलिस, जिला प्रशासन और मंदिर समिति की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। केदार सभा के पूर्व अध्यक्ष किशन बगवाड़ी ने कहा कि तीर्थ यात्री बेरोक टोक मंदिर के गर्भगृह में मोबाइल फोन लेकर जा रहे हैं। जिस व्यवस्था की बात मंदिर समिति कह रही है, ऐसी कोई भी व्यवस्था धाम में दिखाई नहीं दे रही है। पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं कर पा रहा है। जवान भी धाम में मुंह तापने तक सीमित रह गए हैं। कोई भी तीर्थ यात्रियों को मोबाइल अंदर ले जाने से नहीं रोक रहा है।